आज मैं बहुत ही लजीजे एकदम नेनुआ और आलू की सब्जी बनाएंगे। आपके पास इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हम लोग के समय हम लोग के घर में इसे नेनुआ बोलते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या लगता है। तो ये देखिए, हम चार आलू लिए हैं और इसे इस तरीके के हम बड़ा बड़ा साइज़ के काट लिए हैं और इसे छील लिए हैं, अच्छी तरीके से धो लिए हैं फ्रेंड्स। और ये दो नेनुआ है तोरई, और इसे अच्छी तरीके से गोल गोल पीस में हम काट लिए हैं। एक तेज पत्ता है, दो सूखी मिर्च है, और इसमें हम देखिए 5 से 6 लहसुन और एक बड़ा साइज का प्याज, एक दालचीनी का टुकड़ा और 4 लौंग लिए हैं। तो इसे हम तड़का लगाएंगे। तो सभी को अच्छी तरीके से काट लिए हैं। तो चलिए इसे हम बनाते हैं और इसका डंठल हम निकाल लेंगे। और देखिए, मिर्चा का ढक्कन निकाल लिया और इसे आज हम कुकर में बनाएंगे। तो देखिए, इसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और 1 चम्मच इसमें हम शुद्ध घी डालेंगे। तो कोई भी सब्जी में अगर शुद्ध घी डालेंगे फ्रेंड्स, तो इसका स्वाद दुना हो जाएगा। तो जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच के करीब जीरा डालेंगे और उसके बाद जो हम लाल मिर्च रखे हैं तो उसे भी डाल देंगे, तेज पत्ता को भी डाल देंगे, और दालचीनी और लौंग उस दोनों को डाल देंगे और इसे थोड़ा सा चटकने देंगे। और उसके बाद हम देखिए लहसुन को भी डाल देंगे, और जो प्याज काट कर रखे थे फ्रेंड्स उसे भी हम डाल देंगे, और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसे ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का ही भूनना है, केवल इसका कच्चापन निकल जाए। और उसके बाद जो आलू कच्चा ही है, बॉयल नहीं है, तो इसे भी हम आलू प्याज और आलू एक साथ इसे हम भूनेंगे। तो इसे अच्छी तरीके से मिला दिए फ्रेंड्स, और फ्लेम हाई नहीं करना है, मीडियम करना है, और स्वाद अनुसार नमक डालना है, और नमक को भी हम अच्छी तरीके से मिला देंगे इसके साथ। और इसे हम अच्छी तरीके से आलू प्याज को भुनेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के कुकर में नेनुआ का सब्जी बनाइएगा आलू का, तो बहुत ही बेहतरीन लगेगा। और हल्दी डाल देंगे, फ्लेम बिल्कुल कम कर देंगे, और सूखा मसाला डालेंगे। तो कभी भी सूखा मसाला डालिए तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए। और 1 चम्मच इसमें हम कश्मीरी मिर्च डालेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से 2 मिनट भून लेंगे। तो कभी भी हल्दी और कश्मीरी मिर्च आप कम फ्लेम में डालिए, और सब्जी में पहले इसे ज़रूर डालिए फ्रेंड्स। तो 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच लाल मिर्च कुटा हुआ डालेंगे। कुटा हुआ लाल मिर्च डालने से सब्जी और टेस्टी बनता है। और सभी को अच्छी तरीके से हम मिला दिए, फ्लेम हम कम ही रखे हैं फ्रेंड्स। तो मसाला एकदम हल्का भुना गया। अब उसके बाद जो ये हम नेनुआ काट के रखे थे, इसे भी अच्छी तरीके से इसमें डाल के हम भुनेंगे। तो जो नेनुआ का पानी छोड़ेगा उससे मेरा मसाला एकदम परफेक्ट भुना जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। तो इसे हम एकदम मिला दिए। अब उसके बाद इसे हम थोड़ा ढककर पकाएंगे ताकि ये कितना पानी छोड़ेगा हमें समझ में आ जाएगा। तो इसे हम ढक्कन ढक ढक दिए। तो इसे थोड़ा देर ढक के पका लिए। अब इसे खोल के अच्छी तरीके से इसे मिला देंगे, और बस अब सभी चीज़ अच्छी तरीके से भुना गया है फ्रेंड्स। तो अब इसमें हम जितना ग्रेवी रखना है उतना पानी डालेंगे। तो नेनुआ भी कुछ पानी छोड़ता है, तो पानी हिसाब से डालिए फ्रेंड्स। तो आधा गिलास हम पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये सब्जी एकदम लगेगा नहीं कि ये नेनुआ की सब्जी है। तो अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला दिए। अब ढक्कन लगाकर इसे अब बंद कर देंगे। तो फ्रेंड, एक सीटी हम हाई में लगाएंगे और दूसरी सीटी हम एकदम लो में लगाएंगे। तो इस तरीके से 2 सीटी में ही ये मेरी सब्जी एकदम बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद एकदम प्रेशर निकलने तक से कुकर को एकदम ठंडा होने देंगे। तो पहला सीटी लग चुका, अब आँच को एकदम मीडियम कर दिए हैं, और मीडियम आँच में ही दूसरा सीटी लग गया। अब इसे हम बंद कर देंगे और कुकर को बिल्कुल ठंडा होने देंगे।
तो कुकर जब ठंडा हो जाएगा तब आपको दिखाएंगे कि सब्जी कितनी लाजवाब बनी है। तो देखिए मेरा कुकर ठंडा हो गया, सीटी बिल्कुल निकल चुका है। तो अब इसे ढक्कन सावधानी से खोलेंगे और उसके बाद ये देखिए सब्जी लग नहीं रहा कि ये नेनुआ का है। तो इसे थोड़ा हम मिला देंगे और मिलाकर इसे गर्मा गर्म चावल रोटी पराठा किसी के साथ खाइए फ्रेंड्स, ये बहुत ही लाजवाब लगता है। और जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है वो चीज़ खाने में भी अच्छी लगती है। तो सब्जी देखने में ही इतनी शानदार है तो सोचिए खाने में कितनी लाजवाब होगी। तो एक बार इस तरीके से कुकर में आलू और नेनुआ की सब्जी बनाकर देखिए। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए।